लक्ष्मण, दो चीजें हैं अभी जो रविकांत जी ने कहा कि एक तो दलितों के मन में अविश्वास, वो एक चीज है कि यादव बहुल पार्टी है और वगैरह वगैरह, जो एक छवि बनी हुई है समाजवादी पार्टी की, उसका असर हो, उसकी वजह से वो हिचकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव क्यों आगे बढ़कर दलितों को जोड़ने की कोई कोशिश नहीं करते? क्या वो मुतमईन है कि उन्होंने जो अति पिछड़ा समुदाय के और लोगों को जोड़ लिया, उसके बाद उनका समीकरण ऐसा बन गया है कि अब उन्हें और ज्यादा की जरूरत नहीं है किसी को जोड़ने की? मुकेश जी, अभी फिलहाल ये कह पाना मुश्किल है कि अखिलेश यादव के जहन में क्या राजनीति चल रही है। इस सवाल को थोड़ा पीछे से ले जाकर के मैं देखना चाह रहा हूं कि अखिलेश यादव दलित विरोधी हैं या नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि हम वो लोग हैं जो वैचारिकी में सामाजिक न्याय को मानते डॉक्टर हैं। यादव, डॉक्टर यादव, डॉक्टर लक्ष्मण, हमने अभी तक ये नहीं कहा है कि अखिलेश यादव दलित विरोधी हैं। हम ये कह रहे हैं कि दलितों को जोड़ने की कोई कोशिश उनके तरफ से नहीं हुई है, या बिल्कुल, उनकी पहल नहीं हुई, या वो उत्साह उनमें नहीं दिख रहा। मैं बिल्कुल ठीक बात है। मैं अपनी बात को ठीक कर देता हूँ। एक बहस चल रही है इसकी भी, लेकिन ठीक बात है कि आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की कोशिशें क्या हैं। मैं कहना ये चाह रहा था कि हम वो लोग हैं जो किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं और एक वैचारिकी से जुड़े हुए हैं। उस वैचारिकी को हम सामाजिक न्याय कहते हैं। उस वैचारिकी के किसी भी शख्स से अगर आप आज की तारीख में पूछेंगे तो उसकी हसरत तो यही होगी कि घोर संविधान विरोधी और सामाजिक न्याय विरोधी ताकतें जो राजनीति में हैं वो परास्त हों और इन तमाम वंचितों शोषितों को मिलाकर एक एका बनती, जो राजनीति ही नहीं समाज में भी लोगों को जोड़ने का काम करती। तो पहली बात तो ये कि अच्छा होता कि एक गठबंधन बन जाता और एक बड़ी लड़ाई को और बेहतर तरीके से वो कम से कम जेस्चरिंग कर पाते। एक तो ये टिप्पणी है। दूसरी बात ये है कि अखिलेश यादव तो दलितों को जोड़ने में क्या रुचि रख रहे हैं, अगर इस बात का विश्लेषण करें तो थोड़ा सा पीछे जाते हैं। मैं 2017 के चुनावों के आंकड़ों पर बात कर लूं तो 86 कुल रिजर्व सीटें थी, जिनमें से 69 बीजेपी को मिली, 10 समाजवादी पार्टी को मिली और बाकी कुछ कुछ बटी है। 2017 के वोट शेयर अगर देखें तो शेड्यूल कास्ट के वोट परसेंटेज में तकरीबन 39.67% बीजेपी को वोट मिला, बीएसपी को 22-23% वोट शेयर मिला है और समाजवादी पार्टी को 21.82% शेड्यूल कास्ट का वोट कास्ट हुआ है। कांग्रेस को भी 6.27% वोट मिला है। 17 के चुनाव की बातें अलग थी। 17 के चुनाव में अखिलेश यादव कांग्रेस के गठबंधन में थे और 2019 का चुनाव जैसे बहुत अहम माना जा रहा था, वहां अखिलेश यादव ने 1995 के बाद एक बड़ा कदम उठाते हुए बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किया और उस समय 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी और 38 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ती है। 3 सीटें आरएलडी को दी जाती है। एक तो ये तथ्य है। दूसरी तरफ जो अभी उन्होंने कहा कि आप दलितों को जोड़ नहीं पा रहे हैं, इनके यहाँ रामजी लाल सुमन है जो राष्ट्रीय महासचिव है, इंद्रजीत सरोज हैं जो राष्ट्रीय महासचिव है, मिठाईलाल भारती हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा साहब वाहिनी है और रामकरण निर्मल है जो प्रदेश अध्यक्ष है लोहिया वाहिनी के, चंद्रशेखर चौधरी है जो प्रदेश अध्यक्ष है। मैं फेहरिस्त क्यों गिना रहा हूँ, वो केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी राजनेता वो अपने समाज और संस्कृति को भी देखता है। अगर वो सजग राजनेता है तो वह ये देख रहा है कि जमीन पर वो 2019 का गठबंधन केवल दो नेताओं का गठबंधन नहीं था, वो एक सामाजिक गठबंधन बन रहा था। उस गठबंधन के टूटने के बाद भी कम से कम मैंने ये देखा है कि समाजवादी पार्टी के प्रचार में, उनके पोस्टरों में बाबा साहब की तस्वीरें हर जगह हैं और अभी हाल फिलहाल में अखिलेश यादव ने फिर से याद किया कि डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर अम्बेडकर मिलकर काम करना चाह रहे थे। कोशिश वो भी ये जताने की कर रहे हैं कि हम दलितों को जोड़ने की हिमायती हैं और उन्होंने तमाम ऐसे पद दिए हैं। रविकांत जी की बात से सहमत हुआ जा सकता है और वो और बारीक विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि राजनेता अपने ढंग से कोशिश कर रहा है। आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद पर अगर बात करें तो वो एक बड़े आंदोलनकारी की भूमिका में रहे हैं। जो भी बाहर देखा उन्होंने सीएनआरसी से लेकर के रोस्टर का मसला हो, 2 अप्रैल के जी भारत बंद से लेकर के तमाम मसले हो,
उत्तर प्रदेश के चुनाव में उनकी भूमिका हो सकती थी, लेकिन दो नेताओं के बीच गठबंधन किन बातों पर बनता है और टूट जाता है ये बेहतर तो वो नेता बता पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अखिलेश यादव का ज्यादा फोकस बेशक पिछड़ी जातियों को गोलबंद करने में है, जो उनके स्वाभाविक खिलाई रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो दलितों को जोड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, ऐसा कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा मेरे हिसाब से। डॉक्टर लक्ष्मण, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो एनबीसी है या जो ओबीसी के जातियां हैं उनसे वो उनको नेचुरल अलाई लगती हैं, और दलित को एक पूरा जो उत्तर प्रदेश में पिछले अगर 3 दशकों की राजनीति को देख लें तो उसमें एक तरह से खाने बट गए हैं कि ये दलित वोट है तो मायावती जी के हैं, अपर कास्ट है तो बीजेपी का हो गया। इस तरह से जो बंटवारा हो गया है उसी तरह से समाजवादी पार्टी के लीडरशिप के दिमाग में भी वो लाइनें खिंची हुई है, और इसलिए वो उन लाइनों को क्रॉस करने के में घबराते हैं, हिचकते हैं, या मानते हैं कि उसका क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं। अब मुकेश जी, अब ये तो बड़ा मुश्किल है इस बात का जवाब दे पाना कि उनके जहन में क्या चल रहा है, ये उन नेताओं से सीधे सवाल पूछा जाए तो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। हम लोग विश्लेषण कर सकते हैं, और पिछली बात अभी जो मैंने अपनी बात रखी तो उसमें भी मैं एक दूर खड़े हुए व्यक्ति की तरह ही विश्लेषण कर रहा था। उस राजनीतिक पार्टी के भीतर क्या चल रहा है, किसी राजनेता के जहन में, या उनकी पार्टी के कैडर का नहीं, व्यवहार उनके कैसा व्यवहार है। से तो हम लोग समझ ही जाते हैं, हम सारे विश्लेषण हाँ उनके बिल्कुल व्यवहार से ही करते हैं। जो बिल्कुल, उनकी मैं बॉडी वही लैंग्वेज कहने है, की जो उनके विचार, जो उनके प्रदर्शन, जो उनके कार्यक्रम, नीतियां, नेतृत्व, तो इन्हीं सब से तो अनुमान लगाते हैं ना। बिल्कुल ठीक बात है, और वही अनुमान लगा करके ही हम लोग अपना विश्लेषण कर रहे हैं। और उसके दोनों पक्ष हैं, मसलन जो रविकांत जी कह रहे हैं ये बात भी ठीक है, और होना ये चाहिए कि किसी भी वैचारिक आंदोलन या वैचारिक बदलाव से जुड़ाव रखने वाले राजनीतिक दलों को कथनी से ज्यादा करनी में करके दिखाना होता है। तमाम नेताओं को आप मजबूत बनाते हैं, अपने साथ रखते हैं, और उसका एक संदेश देते हैं हम लोगों के बीच कि देखिए आपकी भी भागीदारी हमारे यहाँ है। जैसे ओम प्रकाश राजभर को ले आने का एक बड़ा असर ये पड़ा ना कि वो पूर्वांचल से लेकर के बहुत बड़े इलाके में गैर यादव जो ओबीसी वोट है वो ओम प्रकाश राजभर के नाते, स्वामी प्रसाद मौर्या के नाते, धर्मपाल सैनी के नाते या दारा सिंह चौहान के नाते जोड़ने में वो कामयाब हुए। इसका मतलब कि वर्तमान दौर में राजनीति में नेताओं की पृष्ठभूमि बहुत कुछ मायने रखती है। उसी तरह से फिर से मैं कह रहा हूं कि बेहतर अलायंस होता अगर इस अलायंस में चंद्रशेखर रावण भी जुड़ते और उनके नाम पर वो एक अच्छा और मजबूत संदेश देने में कामयाब हो जाते कि हाँ भाई देखिए हमारे पास इनकी भी नुमाइंदगी है। रही बात इसकी कि अब जो गठबंधन नहीं हो पाया और इस बात का विश्लेषण किया जाए कि उनका रुझान कैसा है, अखिलेश यादव किस रुझान पर काम कर रहे हैं, क्या वो दलितों को जोड़ना चाहते हैं या अपने नेचुरल एलाई जिसे आप कह रहे हैं पिछड़े वर्ग के लोग, उसमें यादव और गैर यादव जातियां, जिनमें से गैर यादव जातियों के बड़े तबके में से तकरीबन 60% वोट बीजेपी पिछली बार अपने साथ खींचने में कामयाब हो गई थी, अखिलेश यादव उस पर ज्यादा फोकस होकर के काम कर रहे हैं। एक बात तो ये तथ्य है, दूसरी तरफ एक बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को लगभग 3 दशकों से जो लोग देखते समझते होंगे, मतलब एक बात तो खूबसूरत बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जाति को लेकर के सजगता इतनी मजबूत है कि जातियों के बिना आप नहीं राजनीति कर सकते। इसमें बीजेपी बैकफुट पर केवल इसलिए नहीं है कि एक मजबूत अलायंस बन रहा है, बीजेपी बैकफुट पर इसलिए है कि हिंदुत्व बहुत कारगर नहीं है। अभी पिछले 1-2 दिन से फिर से कोशिश शुरू हो गई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के कैराना से लेकर के तमाम जगहों पर कि फिर से इसे सांप्रदायिक रंग दिया जाए। तो एक कर तो दिया ये जाए। बात है कि जातियां जातियां अहम है, जाति केंद्र में है, और ये खूबसूरत बात है। अब इसका दूसरा पक्ष ये है कि इस पूरे 2-3 दशकों में हुआ ये है कि बहुत सारी चूक समाजवादी पार्टी सरकार में रही हो या बहुजन समाज पार्टी सरकार में रही हो, इनकी रही है। अभी मैं एक बयान देख रहा था पिछले दिनों, अखिलेश यादव ने एक बयान अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया कि हम अगर सरकार में आते हैं तो प्रमोशन में रिजर्वेशन बैक डेट से लागू करेंगे। अब ये उतना मुखर ढंग से नहीं बोला जा रहा है, इस पर कोई ट्वीट नहीं आ रहा है, ये बात हो सकती है।
लेकिन अगर उस बयान को ध्यान में रखें, अगर इन बातों को ध्यान में रखें कि लोहिया और अंबेडकर मिलकर काम करना चाहते थे, अगर इस सारी चीजों को ध्यान में रखें, तो एक जेस्चर तो ये निकल के आता है कि हाँ वो कोशिश चाहते हैं। ये अलग सवाल है कि उस कोशिश में कितना वो कामयाब हो पाते हैं। और हाँ, आखिरी टिप्पणी मुकेश जी ये कि राजनीति कई बार सामाजिक आंदोलनों और सांस्कृतिक भूमिकाओं से इतर भी अपने सीट दर सीट समीकरणों के आधार पर भी बहुत कुछ बदलती और बनती है। एक सीट पर किस जाति के लोग किस जगह पर है, अगर मुस्लिम है दो पार्टियां तीन पार्टियां मुस्लिम खड़ा कैंडिडेट करती हैं तो बीजेपी हिंदू खड़ा करके जीत जाती है जबकि उनका प्रतिशत कम होता है। यह भी होता है। ठीक इसी तरह से उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है, हर सीट पर अलग अलग समीकरण है, वहां हर जाति के लोगों को नुमाइंदगी है। यह बात तो सच है क्योंकि कोई हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ता। बहुजन समाज पार्टी तक अपने तमाम, जिसको दावा आप करते हैं कि वो दलित सीटों पर ज्यादा दलित वोट बैंक पर नजर रखती है, वो पिछड़े पिछड़े लोगों को टिकट देती है, वो तमाम मुसलमानों को भी टिकट देती है। तो पार्टियां अपने ढंग से काम करती हैं। सामाजिक आंदोलनों की के दबाव की तरह अगर अखिलेश यादव को और बेहतर करना होता तो यह बात बिल्कुल ठीक है कि कुछ और बड़े नेताओं को और बड़ी भूमिकाओं के साथ दलित तबके के भीतर एक संदेश देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था कि हम सबको लेकर के एक बड़ी एका बना रहे हैं। यहाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस पर और काम किया जाना चाहिए था, जो जो आप कह सकते हैं कि फिलहाल ऐसा नहीं दिख रहा है, लेकिन गोलबंदी बन रही है, सीट दर सीट बहुत कुछ बदलने वाला है उत्तर प्रदेश में, जी और देखना होगा कि वो किस करवट बैठता है।